नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 21 जुलाई दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार में ड्रोन उड़ाने के नियम हुए सख्त। क्लासिकल स्वाइन फीवर रोग के विरुद्ध टीकाकरण अभियान 2023 की हुई शुरुआत। बिहार समेत इन राज्यों को मिलेगी कम किराए वाली नई ट्रेनों की सौगात। चंद्रयान 3 को लेकर इसरो ने दी महत्वपूर्ण जानकारी। लॉन्च हुआ वर्ल्ड कप का प्रोमो वीडियो। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। राष्ट्रीय बैंकों में 4000 क्लर्क भर्ती के लिए आवेदन करने का आज आखिरी दिन। बैंक में क्लर्क की सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण अलर्ट। विभिन्न राष्ट्रीय बैंकों जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के देश भर के विभिन्न ब्रांचों में क्लरिकल कैडर के 4045 पदों पर भर्ती के लिए आज आवेदन करने का अंतिम दिन है। ऐसे में इच्छुक उम्मीदवार IBPS के आधिकारिक वेबसाइट IBPS.in पर जाकर समय सीमा के अंदर अपना आवेदन कर सकते हैं। IBPS क्लर्क परीक्षा के लिए जारी अधिसूचना के अनुसार इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक होना चाहिए। क्लासिकल स्वाइन फीवर रोग के विरुद्ध टीकाकरण अभियान 2023 की हुई शुरुआत। बिहार सरकार के पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के द्वारा पशुपालन निदेशालय की ओर से राज्य के सभी जिलों में क्लासिकल स्वाइन फीवर रोग के विरुद्ध टीकाकरण अभियान 2023 की शुरुआत कर दी गई है। ऐसे में प्रत्येक गांव में घर घर जाकर सूकड़ों का क्लासिकल स्वाइन फीवर रोग के विरुद्ध निःशुल्क टीकाकरण दिया जाएगा। बता दें कि अभियान बीते दिन यानी कि 20 जुलाई से शुरू होकर अगले 15 दिनों तक चलने वाली है, जिसमें प्रतिदिन सुबह 8 बजे पूर्वाह्न से 4 बजे अपराह्न तक टीकाकरण देने का काम किया जाएगा। मालूम हो कि यह कार्य संबंधित प्रतिनिधि के देखरेख में किया जाएगा। ऐसे में अगर किसी भी पशु का टीकाकरण नहीं होने अथवा टीकाकरण के दौरान राशि की मांग करने की शिकायत पशुपालन निदेशालय बिहार पटना के दूरभाष संख्या 0612223094 पर किया जा सकता है। इस कार्यक्रम की विशेष जानकारी के लिए निकटवर्ती पशु चिकित्सालय, संबंधित जिला पशुपालन कार्यालय अथवा पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान बिहार पटना या दूरभाष संख्या 0612226049 से प्राप्त किया जा सकता है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे संचिता बासु के बारे में। संचिता बासु का जन्म बिहार के भागलपुर में 24 मार्च 2003 को हुआ था। वर्तमान में इनका परिवार भागलपुर में ही रहता है। बता दें कि भागलपुर से ही इनकी इंटर की पढ़ाई हुई है। संचिता के बारे में यह बताया जाता है कि वह डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन समय के साथ रुझान बदला और मॉडलिंग की दुनिया संचिता को पसंद आने लगी। यही वह कारण है कि संचिता टिकटॉक पर पॉपुलर होने लगी। आपको बता दें कि जब भारत में टिकटॉक बैन हुआ था, उस समय तक संचिता के टिकटॉक वाले प्रोफाइल पर 3 मिलियन लोग उन्हें फॉलो कर रहे थे। यह ऐप बंद हुआ तो संचिता ने इंस्टा पर अपना ध्यान केंद्रित किया। साथ ही इन्होंने स्नैक ऐप पर भी अपना वीडियो अपलोड करना शुरू कर दिया। संचिता बासु 22 मई 2020 को जी म्यूजिक कंपनी से एक एल्बम सॉन्ग फिर से उड़ना है में भी नजर आ चुकी हैं। यह वह समय था जब फिल्म जगत में संचिता बासु को एक पहचान मिलनी शुरू हुई थी। संचिता बासु ने फिल्म फर्स्ट डे फर्स्ट शो से डेब्यू किया है। बिहार में ड्रोन उड़ाने के नियम हुए सख्त। अगर आप भी बिहार में ड्रोन उड़ाना चाहते हैं तो बता दें कि अब बिहार में ड्रोन को उड़ाने के लिए नियम को सख्त कर दिए गए हैं। दरअसल बिहार सरकार के गृह विभाग की ओर से अब बिहार में ड्रोन को उड़ाने के लिए पहले उसका ऑनलाइन डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आवेदक को एक विशिष्ट पहचान संख्या उपलब्ध करवाई जाएगी। उसके बाद ही ड्रोन को राज्य में उड़ाया जा सकेगा। वहीं वैसे ड्रोन जिनका भार 250 ग्राम से ज्यादा है, उसको उड़ाने के लिए पायलट के पास भी लाइसेंस होना जरूरी है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एयरपोर्ट के करीब वाले रेड जोन में ड्रोन उड़ाने पर रोक रहेगी। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति इस नियम को तोड़ते हुए पकड़ा जाता है तो उसके ड्रोन को जब्त कर लिया जाएगा और साथ ही उस ड्रोन के मालिक और संचालक पर कार्रवाई की जाएगी। आपको जानकारी के लिए बता दें कि ड्रोन के रजिस्ट्रेशन की वैधता 10 साल की होगी। बिहार समेत इन राज्यों को मिलेगी कम किराए वाली नई ट्रेनों की सौगात। हाल ही में ट्रेन टिकट महंगा होने से मजदूरों और आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में रेलवे की ओर से गैर एसी सुपर फास्ट नई ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया गया है, जिनका टिकट भी सस्ता होगा। बता दें कि इसके लिए रेलवे की ओर से तैयारियां की जा रही हैं। मालूम हो कि इन ट्रेनों का परिचालन वर्ष 2024 से शुरू किया जा सकता है। हालांकि जिन राज्यों में इन ट्रेनों का सबसे पहले परिचालन किया जाएगा उनमें बिहार समेत उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, पंजाब, असम, गुजरात, दिल्ली, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश शामिल है।
है। बता दें कि इस ट्रेन में न्यूनतम 22 और अधिकतम 26 कोच होंगे और इन्हें नियमित समय सारणी में भी शामिल किया जाएगा ताकि यात्री पहले से आरक्षण करा सके। अब संस्कृत विद्यालयों में 5वीं कक्षा से ही छात्रों को दी जाएगी वैदिक शिक्षा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत कई बदलाव किए गए हैं। इसी कड़ी में अब यह फैसला लिया गया है कि प्रदेश में अब सभी संस्कृत स्कूलों में 5वीं कक्षा से ही छात्रों को वैदिक शिक्षा पढ़ाया जाएगा। बता दें कि अब तक संस्कृत विद्यालयों में वैदिक शिक्षा की पढ़ाई मध्यमा के बाद कराई जाती थी, जिसके कारण संस्कृत से मध्यमा करने के बावजूद छात्रों को वैदिक शिक्षा का ज्ञान नहीं मिल पाता था। इसी को देखते हुए बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के द्वारा यह बदलाव किया गया है। वहीं इसके अलावा बोर्ड के द्वारा योग का पाठ्यक्रम जोड़ने का भी निर्णय लिया गया है। इसको लेकर बोर्ड की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। बता दें कि नया पाठ्यक्रम वर्ष 2024 से लागू होगा, जिसके बाद स्कूलों में योग की कक्षाएं प्रतिदिन चलेंगी। बिहार के 3 धार्मिक स्थल जुड़ेंगे भारतमाला प्रोजेक्ट से। बहुत जल्दी बिहार के 3 महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों को भारतमाला प्रोजेक्ट से जोड़ा जाएगा, जिनमें मधुबनी जिले के बेनीपट्टी स्थित उच्छैट स्थान, झंझारपुर के विद्येश्वर स्थान और सहरसा के महिषी स्थित तारापीठ शामिल है। बता दें कि इन तीनों धार्मिक स्थलों को जोड़ने के लिए 160 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा। मालूम हो कि अगर ऐसा होता है तो आर्थिक रूप से पिछड़े इस क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन के द्वार खुल सकते हैं और साथ ही लोगों को रोजगार भी मिल सकता है। मालूम हो कि इस परियोजना को लेकर केंद्र सरकार की ओर से तेजी से काम किया जा रहा है और फिलहाल जमीन अधिग्रहण पर रैयतों को मुआवजे का भुगतान किया जा रहा है। इसके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा 241.31 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस 160 किलोमीटर सड़क का निर्माण 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। इस सड़क के निर्माण होने से रामायण सर्किट तक पहुंचना भी आसान हो जाएगा। बिहार के पर्यटन में आज हम बात करेंगे ग्रिड कूटा पहाड़ी के बारे में। यह उन सबसे प्राचीन स्थलों में से एक है जहां बुद्ध ने अपने कमल उपदेश का उपदेश दिया था। गिद्ध चोटी के रूप में अपने नाम के अर्थ के लिए काफी सच। वास्तव में चोटी एक प्राकृतिक पत्थर के गठन के साथ गिद्ध सिर के एक आकार के रूप में प्रकट होता है। इस स्थान को बौद्ध पाठ भी गुजरा कुट भी कहा जाता है। सबसे प्राचीन स्थलों में से एक जहां बुद्ध ने अपने कमल उपदेश का प्रचार किया था। कहा जाता है कि बुद्ध से पसंदीदा ध्यान स्थान में से एक था। आज भी कोई भी उस शिखर पर आध्यात्मिक शक्ति की गहरी भावना महसूस कर सकता है, जो किसी भी मानव निर्मित भव्यता से रहित है। बुद्ध 600 ईसा पूर्व की एक प्रतिमा यहां पाई गई और वर्तमान में नालंदा के पुरातत्व संग्रहालय में रखी गई है। आसपास की वन भूमि और घोड़ा कटोरा झील की ओर जाने वाले मार्ग का दृश्य आगंतुकों के लिए दिव्य अनुभव को जोड़ता है। नेपाल जाते समय लेकर जाए केवल 100 के नोट। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो नेपाल जाने का प्लान बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि नेपाल सरकार की ओर से एक बड़ा फैसला लेते हुए नेपाल में भारत के 200, 500 और 2000 के नोट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानी कि अब आप इन नोटों का इस्तेमाल नेपाल में नहीं कर सकते। ऐसे में अब आप नेपाल में सिर्फ 100 रुपए या उससे छोटे नोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि वर्तमान में नेपाल में इन नोटों की भी सही कीमत नहीं मिल रही है। पहले यहां भारतीय 100 रुपए के बदले 160 या 162 रुपए तक के नेपाली नोट मिलते थे, तो वहीं अब वहां पर लोग अपने मनमाने ढंग से पैसे दे रहे हैं। वहीं अब नोटों के बंद होने से रोजगार पर भी असर पड़ रहा है। राज्य की सभी आर्द्रभूमि का होगा बेहतर प्रबंधन। बिहार राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण की तृतीय बैठक में निर्णय लिया गया है कि राज्य के सभी आर्द्रभूमि का बेहतर प्रबंधन एवं संरक्षण किया जाएगा। वहीं 100 हेक्टेयर से बड़े 45 आर्द्रभूमि के संक्षिप्त दस्तावेज, स्वास्थ्य कार्ड और आर्द्रभूमि मित्र तैयार किए जाएंगे। वहीं 4 महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि पश्चिम चंपारण जिले में उदयपुर झील, भागलपुर जिले में विक्रमशिला डॉल्फिन आश्रयनी, कटिहार जिले में गोगा बिल और भोजपुर जिले में गोकुल जलाशय को रामसार साइट घोषित किया जाएगा। बता दें कि आर्द्रभूमि के संरक्षण और विकास के लिए बजट का प्रावधान चतुर्थ कृषि रोडमैप के तहत किया जाएगा। वहीं विभिन्न वन प्रमंडलों के अंतर्गत स्थित 24 आर्द्रभूमि के आर्द्रभूमि नियम 2017 के अनुसार अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके अलावा राज्य के 8 आर्द्रभूमि गोगा बिल, मोती झील, देवखल चौड़, करियामन, मणिकामन, कांवरताल, उदयपुर झील और बरेला आर्द्रभूमि के समेकित प्रबंधन की योजना तैयार की जाएगी। दानापुर रेल मंडल के इन 4 रेलवे स्टेशनों पर 20 रुपए में मिलेगा खाना। सामान्य कोच के यात्रियों को रियायती दर पर खाना मिल सके, इसके लिए रेलवे की ओर से दानापुर रेल मंडल के 4 स्टेशनों पर केवल 20 रुपए कीमत में खाना उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसमें 7 पूरी 175 ग्राम, सब्जी 150 ग्राम और अचार दिया जाएगा। वहीं इस काउंटर पर 50 रुपए देकर राजमा या छोले के साथ चावल, खिचड़ी, छोले भटूरे, पाव भाजी और मसाला डोसा भी खरीदा जा सकेगा। इसके साथ ही काउंटर पर कम कीमत पर पानी भी उपलब्ध करवाई जाएगी। बता दें कि सुविधा दानापुर रेल
रेलखंड के जिन चार स्टेशनों पर दी जाएगी उनमें बक्सर, क्यूल, मोकामा और बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन शामिल है। इस संबंध में रेलवे बोर्ड के द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार देश के 64 रेलवे स्टेशनों पर इसके लिए विशेष काउंटर खोले जाने की तैयारी की जा रही है। मालूम हो कि रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार ये काउंटर शुरू में 6 महीने के लिए प्रायोगिक तौर पर खोले जाएंगे। बता दें कि यह काउंटर प्लेटफॉर्म के अगले या पिछले छोर में खोला जाएगा। बिहार पॉलिटेक्निक पैरा मेडिकल रिजल्ट हुआ जारी। अगर आप भी उनमें से हैं जिन्होंने पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग और पैरा मेडिकल मैट्रिक और इंटरमीडिएट के लिए डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में भाग लिया था तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि बीते दिन बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा बोर्ड के द्वारा बिहार पॉलिटेक्निक 2023 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, जिसे उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bcecebord.bihar.gov.in पर जाकर अपने रोल नंबर और जन्मतिथि की मदद से देख सकते हैं और साथ ही डाउनलोड या प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस परीक्षा का आयोजन 24 और 25 जून 2023 को किया गया था। बता दें कि जिन उम्मीदवारों ने यह परीक्षा पास कर ली होगी वे अब काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल होंगे, जिसकी जानकारी वेबसाइट पे सही समय पर डाल दी जाएगी। चंद्रयान 3 को लेकर इसरो ने दी महत्वपूर्ण जानकारी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 को लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, जिसके तहत चंद्रयान 3 की चौथी कक्षा को सफलतापूर्वक बदल दिया गया है। मालूम हो कि चंद्रयान 3 की तीसरी कक्षा को सफलतापूर्वक इसरो के द्वारा बीते 18 जुलाई को किया गया था। बता दें कि अब अगली बार 25 जुलाई 2023 को दोपहर 2 से 3 बजे अगली ऑर्बिट मैन्यूवरिंग होगी। मालूम हो कि चंद्रयान 3 की चांद की सतह पर लैंडिंग 24 से 25 अगस्त के बीच होगी। चंद्रयान 3 में अपने साथ एक लैंडर, एक रोवर और एक प्रोपल्शन मॉड्यूल लेकर चांद तक जा रहा है, जिसका कुल वजन करीब 3,900 ग्राम है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 बजे अंतरिक्ष के लिए रवाना हुआ था। राधामोहन पुरस्कार के तहत पाए 51,000 की राशि। बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग के द्वारा चक्षुष कला अंतर्गत राधा मोहन पुरस्कार समकालीन कला आर्ट फोटोग्राफी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले कलाकारों को दिया जाता है। ऐसे में इस पुरस्कार के नामांकन हेतु समय समय पर https://film.bihar.gov.in/diro/culture/biharkala.aspx पर आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। हालांकि आवेदन करने के लिए कुछ अर्हता भी निर्धारित किए गए हैं, जिसके तहत आवेदक की उम्र कम से कम 15 वर्ष और अधिक से अधिक 40 वर्ष होनी चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राधा मोहन पुरस्कार के तहत कलाकारों को सम्मान में प्रतीक चिन्ह, अंग वस्त्र, सॉल, प्रशस्ति पत्र के साथ कुछ राशि भी प्रदान की जाती है, जिसके तहत स्थापित कलाकार को 51,000 रुपए और नवोदित कलाकार को 25,000 रुपए दिए जाते हैं। आशा कार्यकर्ताओं ने नीतीश तेजस्वी के खिलाफ किया विरोध। बीते दिन बिहार के कटिहार और मुजफ्फरपुर में आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा अपनी मांग को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। बता दें कि एक तरफ जहां कटिहार में माले विधायक महबूब आलम के सामने आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा नीतीश तेजस्वी को लेकर विरोध का नारा लगाया गया, वहीं इस पर महबूब आलम के द्वारा कहा गया कि इनका गुस्सा जायज है और इनकी मांग भी वाजिब है। इनकी मांग को लेकर सीएम नीतीश से बातचीत की गई है, इस पर जल्द ही फैसला लिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर मुजफ्फरपुर में भी आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा धरना प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों को लेकर कहा गया कि हम लोगों के अस्थायी वेतनमान किया जाए, प्रोत्साहन राशि हटाकर 21,000 रुपए मानदेय किया जाए और हमें सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। प्रदेश में अगले 2 दिनों बाद मौसम में हो सकता है बदलाव। बिहार में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। प्रदेश में एक तरफ जहां बारिश से इनकार किया जा रहा है तो वहीं विभाग ने दूसरी तरफ आने वाले 2 दिनों के बाद बारिश की संभावना जताई है। विभाग की माने तो 23 जुलाई से प्रदेश में बारिश की संभावना जताई जा रही है। हालांकि इस अपडेट में भी बदलाव की जा सकती है। प्रदेश में दिनों तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 3 दिनों से प्रदेश में बारिश नहीं होने के कारण लोगों को गर्मी और उमस से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार 23 जुलाई को प्रदेश में बारिश होने की संभावना जताई जा रही है, जिसमें कहा गया है कि प्रदेश के उत्तर के भागों में 1 या 2 स्थानों पर वज्रपात के साथ मेघ गर्जन होने की संभावना जताई जा रही है। पटना के महावीर मंदिर को मिला विशिष्ट स्थान। देश के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में 22 जुलाई को 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय टेम्पल्स कन्वेंशन एंड एक्सपो का आयोजन किया गया है, जिसमें पटना के महावीर मंदिर के न्यास को विशिष्ट स्थान दिया गया है। दरअसल इस कार्यक्रम का उद्घाटन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचालक मोहन भागवत के द्वारा किया जाएगा। बता दें इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भारत के 350 और दुनिया के दूसरे देशों के 35 मंदिरों के प्रतिनिधि को आमंत्रित किया गया है। इसके साथ ही 14 विशिष्ट मंदिरों की भी सूची जारी की गई है, जिसमें से एक नाम महावीर मंदिर न्यास का भी शामिल है। मालूम हो कि इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आज यानी कि 21 जुलाई को आचार्य किशोर कुणाल वाराणसी के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां वे महावीर मंदिर न्यास के वित्तीय अनुशासन और वित्तीय प्रबंधन के अपने अनुभवों को साझा करेंगे।
शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा को गदर दो में मिला बड़ा मौका। अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा गदर दो में अपना एक खास किरदार निभाने वाले हैं, जिसके निर्माता निर्देशक अनिल शर्मा हैं। बता दें कि पहली बार लव सिन्हा वर्ष 2018 में फिल्म पलटन में नजर आए थे, वहीं अब वे 5 सालों बाद गदर दो में नजर आने वाले हैं, जिसको लेकर वह काफी उत्साहित है। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी का हिस्सा बनना वाकई में मेरे किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है। मैंने गदर फिल्म कई बार देखी है, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि इस फिल्म की फ्रेंचाइजी में मुझे काम करने का अवसर मिलेगा। इसके लिए मैं फिल्म के निर्माता निर्देशक अनिल शर्मा को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। जब फिल्म गदर रिलीज हुई थी तो उस फिल्म का काफी दिनों तक मेरे ऊपर असर रहा है। उन्होंने कहा कि इस फिल्म में सनी देओल और अमीषा पटेल के साथ काम करने का अच्छा अनुभव रहा है। रक्सौल काठमांडू रेलखंड निर्माण पर किए जाएंगे इतने करोड़ खर्च। भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट रक्सौल काठमांडू 136 किलोमीटर लंबी रेल लाइन के निर्माण पर अंतिम सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार कुल 250 अरब यानी कि 25,000 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। हालांकि इस लागत में जमीन के लिए दी जाने वाली मुआवजे की राशि को नहीं जोड़ा गया है, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस रेलखंड के निर्माण को लेकर लगभग 7 अरब रुपए जमीन के मुआवजे के लिए भी देने पड़ सकते हैं। बता दें कि रक्सौल काठमांडू रेल लाइन के निर्माण पर अंतिम सर्वे की रिपोर्ट कोंकण रेलवे के द्वारा तैयार की गई है, जिसे आधिकारिक तौर पर भारत सरकार के द्वारा नेपाल को सौंप दिया गया है। मालूम हो कि रेल लाइन का मात्र 4 किलोमीटर भारतीय सीमा में होगा और फिर यह रेल लाइन नेपाल में प्रवेश कर जाएगी। वहीं नेपाल रेलवे के एक अधिकारी के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस रेल लाइन के निर्माण में करीब 5 साल का वक्त लग सकता है, जिसके बाद बिहारवासी 1.5 घंटे में नेपाल पहुँच जाएंगे। मणिपुर हिंसा और महिलाओं के उत्पीड़न पर तेजस्वी यादव का केंद्र सरकार पर हमला। मणिपुर हिंसा और वहां हो रहे महिलाओं के साथ उत्पीड़न मामले को लेकर बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला गया। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस नेता राहुल गांधी मणिपुर जा सकते हैं तो फिर पीएम नरेंद्र मोदी क्यों नहीं? देश का प्रधानमंत्री कौन है? मणिपुर के मामले पूरे देश के लोग देख रहे हैं। वहां के मुख्यमंत्री न जाने क्या क्या बयान दे रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी कुछ नहीं बोल रहे। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को सत्ता से जाना तय है, जो जन्म लेता है उसका मरना निश्चित है, इसलिए किसी को घमंड में नहीं रहना चाहिए। मणिपुर से जो वीडियो सामने आया है वह बहुत शर्मिंदा करने वाला है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी कोई घटना विपक्ष शासित किसी राज्य में होती तो पता नहीं कौन कौन से एजेंसियां घुस जाती। लॉन्च हुआ वर्ल्ड कप का प्रोमो वीडियो। आईसीसी की ओर से वनडे वर्ल्ड कप 2023 का प्रोमो वीडियो लॉन्च कर दिया गया है। दरअसल 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक चलने वाले इस टूर्नामेंट के लिए आईसीसी ने एक वीडियो अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। इस 2 मिनट 13 सेकंड के वीडियो में आईसीसी ने वर्ल्ड कप के ऐतिहासिक मैचों की झलके दिखाई है। कैप्शन दिया गया है, आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 में इतिहास लिखा जाएगा और सपने साकार होंगे, बस एक दिन की जरूरत है। इस वीडियो में कई इमोशनल मोमेंट को भी जोड़ा गया है, जिसमें धोनी के रन पॉट से लेकर सिक्स मारकर वर्ल्ड कप जीतने को दिखाया गया है। वहीं युवराज सिंह के दहाड़ने और सुमन के ग्लोरी को शामिल किया गया है। वीडियो में बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के साथ साथ प्रसिद्ध क्रिकेटर जेपी डुमिनी, दिनेश कार्तिक, इयोन मोर्गन, मुथैया मुरलीधरन, जोंटी रोड्स और जमीमा रोड्रिक्स को भी शामिल किया गया है। इस वीडियो में 9 खास पलों को भी दिखाया गया है, जिसमें पहला वनडे वर्ल्ड कप जीतना, लॉर्ड्स के मैदान पर कपिल देव का ट्रॉफी को चूमने जैसे लेकर कई खूबसूरत लम्हों को शामिल किया गया है। भारत के इतिहास में आज की तारीख है कई कारणों से दर्ज। औरंगजेब ने 1658 में अपने अनौपचारिक राज्याभिषेक का जश्न मनाया। कोलकाता में भारत के पहले सार्वजनिक थिएटर हॉल स्टार थिएटर की शुरुआत 1883 में हुई। भारत चीन के बीच सीमा पर 1962 में युद्ध हुआ। काशी विद्यापीठ को 1963 में विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। वाशिंगटन में 2007 को 4 दिनों तक चले विचार विमर्श के बाद भारत अमेरिका परमाणु समझौते का प्रारूप तैयार किया गया। प्रतिभा पाटिल 2007 में भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भारतीय मूल के रामवरण यादव को 2008 में नेपाल का पहला राष्ट्रपति चुना गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित और प्रसिद्ध गुजराती साहित्यकार उमा शंकर जोशी का जन्म 1911 को हुआ था। मशहूर फिल्म गीतकार आनंद बख्शी का जन्म 1930 को हुआ था। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी चेतन चौहान का जन्म 1947 को हुआ था। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी चंदू बोर्ड का जन्म 1951 को हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी का निधन 21 जुलाई 1906 को हुआ था। भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रसिद्ध गायिका गंगूबाई हंगल का निधन 2009 में हुआ। वेलकम, आज हम बात करेंगे गरीब वर्ग को सहायता देने के बारे में।
सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे गरीब वर्ग को सहायता देने के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि एक लिंक के साथ एक संदेश गरीब वर्ग को सहायता के रूप में वित्त मंत्रालय के नाम पर 32,849 रुपए का लाभ देने का दावा करता है और प्राप्तकर्ता के व्यक्तिगत विवरण की भी मांग कर रहा है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि संदेश फर्जी है, ऐसी किसी लाभ की घोषणा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा नहीं की गई है। इंस्टाग्राम यूजर्स के लिए रील्स बनाना होगा और मजेदार। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर रील्स बनाना और भी मजेदार हो गया है। कंपनी ने इसके लिए दरअसल कुछ टेम्पलेट्स अपग्रेड किए हैं, इससे यूजर्स शानदार रील्स बना सकेंगे। कंपनी ने अपने ब्लॉग पोस्ट में कहा है कि हम आपके लिए एक नए और बेहतर टेम्पलेट ब्राउजर की शुरुआत कर रहे हैं, इससे अपनी अगली रील के लिए इंस्पिरेशन सर्च करना आसान होगा। खबर के मुताबिक अब यूजर्स टेम्पलेट ब्राउजर में कैटेगरी के मुताबिक टेम्पलेट ब्राउज कर सकते हैं जो रिकमेंडेड ट्रेंडिंग और उनके द्वारा सेव किए गए टेम्पलेट और ऑडियो द्वारा व्यवस्थित हैं। रील्स में टेम्पलेट बाय बटन पर टैप करके यूजर्स यह भी देख सकते हैं कि दूसरों ने टेम्पलेट का इस्तेमाल कैसे किया है। यह टेम्पलेट बनाने और एडिट एक्सपीरियंस को बढ़ा रहा है जो कुछ ही टैप में यूजर्स को रील्स को बेहतर बनाने में मदद करेगा। टेम्पलेट कस्टमाइज के योग्य होंगे जो यूजर्स को क्लिप जोड़ने या हटाने, व्यक्तिगत क्लिप के समय को एडजस्ट करने या किसी भी पहले से लोड किए गए एलिमेंट को एडिट करने को परमिशन देंगे। सूरत में बनी दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग। गुजरात के सूरत में दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग का निर्माण किया गया है जो कि 67 लाख हेक्टेयर पर बनाया गया है। बता दें कि इस ऑफिस बिल्डिंग ने अमेरिका के डिफेंस हेडक्वार्टर पेंटागन से उसका खिताब ले लिया है। दरअसल क्योंकि इसके निर्माण होने से पहले अमेरिका का डिफेंस हेडक्वार्टर पेंटागन ही दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस बिल्डिंग हुआ करता था। बता दें कि सूरत में बनाए गए इस ऑफिस बिल्डिंग को वन स्टॉप डेस्टिनेशन के रूप में बनाया गया है। वहीं CNN की खबर के मुताबिक यह बिल्डिंग 15 मंजिला है और इसका निर्माण कुल 9 आयताकार स्ट्रक्चर के रूप में किया गया है और यह सभी इमारत एक दूसरे से सेंट्रल स्पाइन के जरिए जुड़े हुए हैं। SGB द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक इस ऑफिस के कॉम्प्लेक्स में एक एंटरटेनमेंट और पार्किंग एरिया है जो 20 लाख वर्ग फीट से भी बड़ा है। बता दें कि इस इमारत को हीरा व्यापार केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उससे जुड़े जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया, कृपया करके यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, किस देश की नौसेना ने डूबे हुए चीनी जहाज को बचाने के लिए P-8I विमान तैनात किया? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी अमेरिका। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भारत। अगला सवाल, श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड किस राज्य के तुलजा भवानी मंदिर में लागू किया गया है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी केरल। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए महाराष्ट्र है। अगला सवाल, भारत के किस शहर में सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी राजगीर, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी गोवा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी हैदराबाद। अगला सवाल, बिहार में लोटा विद्रोह कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए छपरा, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर, ऑप्शन डी मुंगेर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर। अगला सवाल, इनमें से किस नदी को उत्तरी बिहार का सबसे तेज जलधारा वाली नदी कहा जाता है? ऑप्शन ए कोसी, ऑप्शन बी बागमती, ऑप्शन सी कमला, ऑप्शन डी बूढ़ी गंडक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बूढ़ी गंडक। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मंटू कुमार, रंजीत मिश्रा, पंचम वर्मा, रामनवी मांझी, मोहम्मद सकीर हुसैन, पीके पासवान, तनु कुमारी, राजकिशोर महतो, रवि कुमार राम, नरेश राम, प्रहलाद कुमार, तबरेज आलम, रिमझिम कुमारी, रघुनंदन कुमार, मृत्युंजय कुमार, रामचंद्र सिंह। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है,
वाहन चलाते समय आप यातायात नियमों का पालन करते हैं या नहीं? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना न भूले। धन्यवाद।